हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज है सैटरडे, टाइम हो गया है 5:30 बजे का और डेट है आज 28 दिसंबर। और अभी मैं बनाने वाली हूँ शाम की चाय, क्योंकि अभी मैं आई हूँ और ठंड लग रही है मुझे। वैसे तो क्या होता है कि और दिन में थोड़ा लेट आती हूँ, तो शाम की चाय मैं नहीं पीती हूँ, ऑफिस में 3 बजे के आसपास पीती हूँ। उसके बाद फिर आने के बाद तो खाने का ही टाइम हो जाता है, 6:30-7 बजे। बहुत कम होता है कि जिस दिन आने के बाद मेरे चाय का मन करे। सैटरडे को थोड़ा बहुत मैं जल्दी आ जाती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा। और गर्मी में तो फिर भी मन नहीं करता चाय वगैरह का, लेकिन सर्दी में क्या होता है कि जब बाहर से ठंड से आते हैं ना, तो बस ये होता है घर में जाते ही बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए। तो बस अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी सी चाय, हितेश सो रहा है उसको जगाऊंगी, और हितेश की वैसे छुट्टियां हो गई है, तो दिन में बच्चा अकेला है, फिर ठंड में कहीं जाने का भी ये नहीं है कि कहीं बाहर चला जाए, तो यही चारा उसके पास कि वो अपना टीवी ही देखे थोड़ी बहुत देर। तो कितनी देर बच्चा टीवी देखे, और वो सो गया होगा टीवी देख के या जो भी उसने किया होगा पता नहीं, उठाने के बाद देखती हूँ। वैसे होमवर्क खुद से तो वो करेगा नहीं, उसको बिठाना पड़ता है, बिठाने के बाद तो कर लेता है, लेकिन जब तक उसके सामने होता है ना, छोटे बच्चे अब इतना बड़ा भी नहीं है कि अपनी समझ से खुद से बैठ जाए, उसके साथ बैठना पड़ता है फिर वो करता उम्र। तो बस यही चीज़ें हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी कि अभी ये वाली जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ नए फ़ोन से, और नया फ़ोन ये मेरे लिए नहीं आया था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ है कि हस्बैंड का भी आने वाला है बर्थडे, और उनका बर्थडे होता है 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन, तो उनका फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो रखा है और वो अपना फ़ोन नहीं लेते, मतलब खुद से कभी भी नहीं लेते हैं, औरों के लिए ले लेते हैं, मेरे लिए या किसी और के लिए जिसको भी ज़रूरत होती है। तो मैंने उनको बिना बताए ही ऑर्डर कर दिया था, मैंने पूछवाया था उनसे, मतलब किसी के थ्रू इनडायरेक्टली कि क्या कौन सा फ़ोन अच्छा है, क्योंकि मुझे फ़ोन वगैरह की इतनी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। तो उन्होंने कुछ साफ साफ तो उनको नहीं बोला जिनसे मैंने पूछवाया था, लेकिन जहाँ तक उनको मतलब समझ आया, उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया वो मैंने ले लिया, और मैंने उनके ऑफिस पे ही मतलब सेंड करवा दिया वो एड्रेस जो मैंने डिलीवरी का दिया, वो ऑफिस वाला दे दिया। कल उनके पास पहुँचा तो मतलब उनको बहुत ये हुआ कि बिना बताए मंगवा लिया है इतना महंगा फ़ोन, ये वो मतलब बोलने लगे थे, क्योंकि उनका है कि वो अपने लिए कोई चीज़ लेके ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, जब तक काम चल रहा है चलाते रहेंगे। तो मैंने यही सोच के मंगवाया था कि खुद से मंगवाएंगे नहीं, बताऊंगी तो मंगवाने देंगे भी नहीं, तो यही हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो ये फ़ोन नहीं यूज़ करने वाला हूँ, तुम ही रखना। तो गिफ्ट देना था हस्बैंड को और गिफ्ट मिल गया मुझे ही। तो अब ये हुआ है कि ये फ़ोन रखूँगी मैं, और शायद मेरा पुराने वाला रखेंगे वो। वैसे तो वो उसको भी मना कर रहे हैं कि नहीं मैं तो ये भी नहीं रखूँगा इसको, या तो बेच देंगे किसी को दे देंगे, मतलब जैसा भी होगा, बट देखते हैं। वो वाला मैं उनको दे दूंगी जिससे अभी तक मैं यूज़ कर रही थी। तो ऐसा ही होता है, मेरे बहन कभी भी अपने लिए कोई चीज़ नहीं मंगवाते, कोई उनके लिए मंगवाता है तो उनको वो भी पसंद नहीं आता, 2-4 बातें उसी को सुना देते हैं। तो ऐसा हुआ कल मेरे साथ, तो हंसी भी आ रही है मुझे। और बहुत सारे हस्बैंड को मैंने देखा है कि वो अपने पास अच्छे वाला फ़ोन रखते हैं और वाइफ को थोड़ा सा मतलब या तो वैसा ही दिलवा देते हैं या थोड़ा सा उससे कम जो भी होता है, बट मेरे हस्बैंड हमेशा अपने पास कम वाला फ़ोन रखते हैं, मतलब कम कह सकते हैं कैपेसिटी वाला या कम पैसों वाला भी आप बोल सकते हो, और मुझे हमेशा अच्छे वाला फ़ोन दिलवाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो चलिए, यही चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि बर्थडे गिफ्ट उनके बजाय वापस ही मुझे मिल गया। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय। और नव
रखना, नाइन तक काउंटिंग है। वन से ले तक नाइन तक तो अभी हो गए हैं शाम के 7 और अब मैंने चाय बनाई है, मतलब जब मैंने आप लोगों से बातें की थी 5:30 बजे, उसके बाद मैं कंबल ओढ़ के लेट गई, और लेटने के बाद में ना आलस आ ही जाता है, सर्दी में मन ही नहीं करता। तो बस अभी मैं यहाँ पे आई थी तो आके मैंने चाय बनाई, चाय पी, और अभी बनाई है मैंने कढ़ी, जो हरे प्याज आते हैं ना, आल प्याज, उनको डाल के, और थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, 3-4 रोटी का ही है थोड़ा सा, फिर बनाना पड़ेगा मुझे। और अभी मुझे बर्तन भी करने हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि सब लोग आए ना, तो लंच बॉक्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहले आटा भिगोऊंगी, फिर बर्तन करूंगी और फिर बनाऊंगी खाना। किचन के सारे छोटे मोटे काम निपटाने के बाद यहाँ पे बनाने लगी थी मैं रोटियाँ, और गर्मा गर्म कढ़ी बनी है तो मैंने सोचा कि चलो पराठे बना लेते हैं। वैसे भरवा पराठे नहीं है, सिंपल ही है, और कढ़ी के साथ पूरी पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अब की बार कई दिन हो गए थे पराठे बनाए, क्योंकि हितेश को खांसी हो रखी थी, अब थोड़ी ठीक हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो आज पराठे बना लेते हैं। तो उधर मेरी कढ़ी तैयार है और इधर गर्मा गर्म पराठे भी बन के तैयार हैं। तो अभी अगला नेक्स्ट डे हो गया है और आज संडे है, और सुबह के बज चुके हैं 8:30, और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ और चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे। वैसे तो उठ तो मैं गई थी वही 6:15 बजे, आग खुल गई थी, लेकिन दोबारा से मैं लेट गई फ्रेश वगैरह होने के बाद, और इतनी ठंड है कि पूछे मत, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। अब तो ये हुआ कि बस अब 8:30 हो गए, अब तो उठना ही है, और शायद हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, बोल तो रहे हैं, उठने का मन उनका भी नहीं है। अभी तक मैंने पूछा कि जाना है या नहीं जाना, बोल रहे हैं कि जाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे अभी कुछ बनाना पड़ेगा नाश्ते में जल्दी से, देखती हूँ, या तो किसी भी तरीके के पराठे बना लूँगी। तो वो तो बोल रहे थे कि रोटी बना देना, सब्जी मैं वहीं से मंगवा लूँगा, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पहले तो मैं चाय बना रही हूँ, और आज फिर से मेरा प्रोग्राम है हरा साग बनाने का, लेकिन वो अभी मॉर्निंग में नहीं बनाऊँगी, या तो दोपहर में या शाम के टाइम बनाऊँगी, क्योंकि उसमें फिर वो ही काम करना है, पहले साग वगैरह करना पड़ेगा। तो पहले मैं पी लेती हूँ चाय, फिर बनाऊँगी उनके लिए खाना, और बाकी लोगों के लिए भी फिर मैं साथ के साथ ही बना लूँगी नाश्ता। तो अभी मैं भी लेती हूँ चाय, और हितेश भी अभी सो रहा है, उठ गया था वो भी जब मैं उठ के आई हूँ तो बोल रहा था, लेकिन अभी बिस्तर में ही है, और सब लोग ही बिस्तर में हैं अभी तक। और आज सुबह से ही लाइट नहीं है, जब मैं उठी थी 6 बजे तब भी नहीं थी, और अभी तक भी नहीं आई है,
और पानी भी आ चुका है जो सप्लाई का आता है तो वो भी नहीं भरा गया, और दूसरा जो पीने का पानी है आरओ के अंदर वो भी ख़त्म हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे, बहुत सारे काम है लाइट के जो कि पेंडिंग रह जाएंगे अगर लाइट नहीं आई तो, और वैसे भी बहुत सारे काम है और धूप का नामो निशान नहीं है, 9 बजने वाले हैं अभी। और मेरा ना कई दिनों से बहुत मन है कि संडे को अच्छी खासी धूप निकले और मैं धूप में बैठूँ लगभग 1-2 घंटा, लेकिन पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी धूप का, मुझे लग नहीं रहा कि निकल पाएगी या नहीं, देखते हैं। कल तो थोड़ी बहुत आ गई थी, 12-1 बजे के आसपास निकल गई थी धूप, वरना कल भी बहुत अच्छा मौसम, मतलब ऐसा ही मौसम था सुबह ठंड वाला। तो देखते हैं, तब तक अपने काम हम निपटाते हैं, बहुत सारे काम है आज पेंडिंग जो करने हैं। तो चलिए मैं पहले खाना वाना थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो यहाँ नाश्ते के लिए मैं बनाने लगी थी गोभी के पराठे, तो मेरे पास गोभी के 2 फूल थे। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं दोनों को ही यहाँ पे कद्दूकस कर लूँगी, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर अगर गोभी का पराठा के लिए गोभी को कद्दूकस ऊपर से कर लिया जाए तो नीचे जो हिस्सा बचता है उसकी अच्छे से मतलब सब्जी नहीं बन पाती, क्योंकि फूल वाला पार्ट सारा पराठे में यूज हो जाता है। तो फिर मैंने एक ही गोभी को कद्दूकस किया था, क्योंकि मेरे पास एक उबला हुआ आलू भी रखा हुआ था कल का, तो मैंने सोचा कि अगर कम रहेगी गोभी तो फिर मैं आलू का पराठा बना लूँगी बाद में, अगर कोई रह भी जाएगा तो। तो गोभी को मैंने कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी गोभी को फ्राई। तो गोभी को फ्राई करने के लिए तेल में लिया था, उसमें हींग जीरा डाले थे, उसके बाद जो गोभी मैंने कद्दूकस की थी वो मैंने उसमें डाल दी थी, और गोभी को मैंने जो बारीक वाली साइड होती है उस साइड से कद्दूकस किया था, बहुत मोटा नहीं किया। और इस टाइम पे जो गैस थी वो मैंने बिल्कुल फुल की हुई थी, क्योंकि गोभी को मुझे पकाना नहीं था, सिर्फ 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना था। और इसी टाइम पे मैंने सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर दिए थे, मैंने ऐड किया था थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया था, नमक मैं गोभी को पहले ठंडा कर लूँगी उसके बाद ऐड करूँगी, बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद। तो गोभी के पराठे कच्चे भी बनाए जाते हैं, मतलब सिर्फ गोभी को कद्दूकस करके उसमें मसाले मिक्स करके भी, लेकिन इस तरीके से जो गोभी के पराठे बनते हैं वो बहुत अलग ही टेस्ट देते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बस क्या होता है, फ्राई करने से थोड़ा सा उनको हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नॉर्मल कच्चे आसानी से फिर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने पराठे, तो पराठे में मैंने पहले गोभी को अच्छे से फिल कर लिया था, थोड़ा सा पराठा बड़ा भर करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पहले जो पराठा है उसको बढ़ा लूँगी हाथों से जितना बढ़ सकेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं बेलन से बिल्कुल हल्के हाथ से उसको बढ़ाऊँगी, और पराठा नहीं फटेगा अगर आप अच्छे से उसको करते हैं फिल और अच्छे से बंद करके उसको बढ़ाते हैं हल्के हल्के हाथों से। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है पराठे मतलब स्टफ पराठे बनाने का, वो आसानी से ये पराठे बना सकते हैं, जबकि जिनको कम आते हैं स्टफ पराठे बनाने उनसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये वाले पराठे, क्योंकि गोभी थोड़ी सी लूज हो जाती है फ्राई करने के बाद, जबकि हमने उसको पकाया नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई ही किया है ताकि उसमें मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप स्टफ पराठे आसानी से बना लेते हैं तो ये पराठे भी फिर आप आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो बस यहाँ पे मैं अपने सारे पराठे इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। तो सबके पराठे बनाने के बाद जो गोभी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने अपने लिए बना लिए थे आलू के पराठे। तो मेरा सुबह का नाश्ता यही था, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी आ जाइए। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है, बाकी लोगों ने भी कर लिया है, किचन का अभी तक का मौसले काम मैंने कर दिया है, मतलब बर्तन वर्तन सब कर दिया, सिर्फ फर्श पे नीचे से झाड़ू पोछा रहता है वो तो पूरा ही रहता है पूरे घर का, ऊपर का नीचे का। और लाइट भी आ चुकी है, 1/2 घंटा हो गया, तो सोच रही हूँ पहले मैं मशीन लगा दूँ, उसके बाद ही देश को भी नहलाना है, मुझे भी नहाना है, बहुत सारे काम करने हैं अभी। तो और एक चीज़ और बनाने के लिए सोच रही हूँ आज, पर पता नहीं टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हस्बैंड बोल रहे थे कि मत बनाना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी पर्सन की, तो वो बोल रहे थे कि कभी फिर बना लेंगे या तो नेक्स्ट संडे को।
अगर टाइम हुआ और मैं बना पाई तो मैं फिर आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। नहीं लगा या नहीं बनाया तो फिर मैं शायद नहीं करूँगी शेयर, फिर जब बनाऊँगी तब शेयर कर पाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वो चीज़ मैंने बनाई तो फिर मैं इसके बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दूँगी, अगर नहीं हुई तो फिर मैं कल ही वीडियो बनाऊँगी इसके बाद। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।